तो हाय गाइस, वेलकम टू मिथोलॉजी। लाइटें बंद क्योंकि मम्मी का नीचे से फ़ोन आ गया कि शिवाय को संभाल लो, पापा को ऊपर थोड़ा सा देखने जाना है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ ऑफिस के एसी बंद, और ये पूरा व्लॉग के अंदर आपको सिर्फ मेरी ही प्रेजेंटेशन दिखेगी। दो दिन, सॉरी, आई नो यू विल मिस मनी, बट क्या करें, कभी कभी गर्ल्स या फिर वुमेन डे आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो लाइटें हो गई हैं बंद, मैं नीचे जा रहा हूँ लंच करने के लिए। बच्चे हैं आज बाहर क्योंकि मौसम अच्छा है। और ये हो गया ऑफिस का दरवाज़ा बंद, पर मैं आपको ये दिखा दूँ, मेरे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है इनका। अभी ये घूम के आए हैं 10 मिनट पहले, बट इनके नशे ही नहीं उतर रहे। इनको बारिश के अंदर कीचड़ के अंदर भीगना इतना पसंद है। और आज इन दोनों का ट्रेनिंग सेशन भी है, जोई का और क्लोई का। बाद में बेटा, अब आराम से बाहर बैठो, हम ज़रा खाना खा के आते हैं। तो हम चलते हैं खाना खाने ताकि मम्मी जा सके पापा के पास, ठीक है? चलो भागे। तो ना, मैं हर रोज फंस जाता हूँ यहाँ पे। ये नीचे जाने को तैयार है और वहाँ पर ओला मुझे उम्मीद में देख रही है कि ये भी मुझे लेके जाएगा, और नीचे ऑलरेडी क्लोई बैठी हुई है। बबसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या करें, उसको भी ले चले, पर आज तो मम्मी भी नहीं है, कैसे मैनेज करूँगा मैं, हैं? अच्छा, यहीं पे सोना, तो फिर तू मत जाना ओला को करने, तो वो बेचारी बड़ी उम्मीद से देख रही है और एक्सरसाइज कर करके दिखा रही है मुझे, हैं? देख लो कितनी उम्मीद से वह आवाज़ें भी निकाल रही है। दिल तोड़ने का मन तो नहीं है, बट तोड़ना पड़ेगा। और ये देख लो क्लोडो ना मेरे साथ बैठी हुई है, इन्जॉय कर रही है। हाँ, क्या क्या है? हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। क्या कर रहे हो आप? अच्छा, मैंने ना क्लोई को पकड़ा हुआ है, ये देख रहे हो आप, मैंने इसको पकड़ा हुआ है। और जहाँ हमारे एक सब्सक्राइबर आए हैं वो बब्जी को आवाज़ मार के गए हैं, और क्लोई ना अलर्ट हो गई कि भाई मेरे पापा को कौन आवाज़ मार रहा है, वो भी स्कूटर पे चलते हुए। ये देखो, अब मेरी ग्रिप से दूर जा रही है। एक लोडो अंदर क्यों चली गई है? आजा इधर आ, कम, गुड गर्ल, सब समझती है तू, हैं? कैसी ट्रेन हो रही है तू, हैं? द ब्लू आई डीमन, कैसी ट्रेन हो रही है तू, कौन ट्रेन को उड़ रहा है तुझे? अच्छा, आँख दिखा, ये देखो यार, इसकी ना थोड़ी सी आँख रह गई है तेरी, कान साफ हैं बिल्कुल, ये देखो चिट्टे कान, ये देखो आँख ना थोड़ी सी ब्लू रह गई, देखिए आपको। और ये जो स्क्रैच मार रहा है ना, ये मम्मी और डॉटर की लड़ाई की है। ये देखो, ये कर द ब्लू आई डीमन बेबी क्लोई, ये देख रहे हो। और ना इतनी एक्टिव हो जाती है, कोई भी अगर यहाँ से निकल रहे हैं, तीन बच्चे जा रहे हैं यहाँ से, हैं? और एकदम अलर्ट हो गई कि पापा के पास कौन आ रहा है कौन नहीं, बिल्कुल इसके अंदर बब्जी वाले फीचर्स है। हाँ जी, हेलो, क्या खारिश कर रही हो मैडम, क्या कर रही हो, कुछ हमें भी बता दो। और यहाँ दामिनी आ रही है गाइज, एंड देयर इज़ वन सैड न्यूज़, इट्स नॉट कन्फर्म्ड बट देयर इज़ अ सैड न्यूज़। आज सुबह बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो आई थिंक रोशनी इज़ डेड, यस, मुझे ऐसा लगता है कि रोशनी मर गई है, क्योंकि रोशनी हमारा एक ये पार्ट है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ पार्ट कैसा। एक पार्ट है वो देखो वहाँ पे, वो देख रहे हो मोटा खंबा, वो जो जहाँ पे लड़के जा रहे हैं उससे पीछे, ठीक है, और एक पार्ट है हमारा वो जहाँ पे ऑटो खड़ा। ये तीन पार्ट के अंदर ना सोसाइटी है, इधर के स्ट्रीट डॉग्स अलग हैं, ये वाले स्ट्रीट डॉग्स अलग हैं, और वहाँ वाले स्ट्रीट डॉग्स अलग हैं। तो रोशनी यहाँ पे रहती थी, आपको पता है ये सारा एरिया उसका था, ठीक है, और यहाँ पे भी रहती थी दामिनी, जैसे वहाँ बैठी हुई है ये चार्ली बैठी हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसी दामिनी यहाँ बैठी होती थी। तो वो यहाँ से छोड़ के वो चली गई यहाँ से दूसरे वाली साइड। और आज सुबह मुझे जाते हुए एक डेड बॉडी मिली, वो भी स्ट्रीट डॉग की थी, और बिल्कुल वो रोशनी लग रही थी, और जैसे ही मैं उसको देख पाता
तो एमसीडी वाले आए, उसको उठा के ले गए और वो इसी रोड के ऊपर, ये पूरी रोड के ऊपर आगे की तरफ थी, बहुत आगे। तो या तो उसको कोई गाड़ी कुचल के चली गई है या उसको चोट लग गई थी। तो आई एम एज्यूमिंग कि 99%, क्योंकि मुझे पिछले 4 दिनों से रोशनी वहीं दिख रही थी, मुझे लग रहा है कि वो रोशनी थी। मैं जैसे ही रोकता और देखता, इससे पहले एमसीडी वाले ले गए, मैंने पता किया आसपास कि कौन है। कहते वो कोई नया कुत्ता आया था यहाँ पे रहने और वही था। अगर मुझे पता चलता उसकी आँख से देख के ना कि उसके ऊपर अभी भी स्टिच के निशान हैं, तो पता चल जाता कि रोशनी है। पर मुझे उसके बाद रोशनी अभी तक नहीं दिखी है, और भगवान करे कि दिख जाए रात को। अगर दिख जाएगी तो इस ब्लॉग में मैं आपको बता दूँगा, अगर आगे दिख गई तो भी बता दूँगा, पर अगर वो रोशनी थी तो आई थिंक वी शुड प्रे फॉर हर। हे कम बैक, बाहर आ जाओ क्लोडो। ओ शुशु करना तूने, कम चलो पापा जा रहे हैं, बाय। अब आ जाइए, आ गई ना, कम चलो आ जा, फिर गाड़ी आ जाएगी कोई, जल्दी आ चलो। अरे तू भी और तेरा बाप दोनों चार्ली को ऐसे सूंघते हैं जैसे वो ना, अब देखो किसिया ले रहे हैं, समूचे ले रहे हैं एक दूसरे की, और यहाँ ना गाड़ी आ रही है। ए, चलो चलो आ जा, कम 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 कम, चलो 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 अंदर अंदर। अब यहाँ पे नहीं खड़े हो रहे हम, है ना, अब नहीं खड़े हो रहे, चल गाड़ी चलेगी। चार्ली को भी बड़ा मज़ा आता है इससे मिलने का, पता नहीं इसको भी कौन सा शौक है। ये देखो फिर भाग गए, क्लोडो चल अंदर, मन नहीं है इसका जाने का। ये देखो फिर बैठ गई, चल अंदर। अच्छा चलो आ जाओ, कम चलो आ जा अंदर ही, चल चल। और ये मेरे घर की चप्पलें हैं, ये मैंने बाहर वाली चप्पलें उतार दी, और घर वाली चप्पलें घर के लिए, बट क्या करें इनके पैर कौन धुलाएगा। चलो भागो, आ जाओ इधर से, एसी इधर, चलो भागो। और यहाँ देख लो, सो टाइम हो गया रात के 9:15। क्लोडो अपना खाने का इंतजार कर रही है, शिविया दादी को धक्के मार रहा है कि मुझे ब्रेड दो खाने को, दादी कह रही है मैं नहीं दूंगी। तो देखो यहाँ पे ये चल रहा है, और मैं आया हूँ खेल के, और देखो मेरे जूते नीचे से कितने गंदे हो गए हैं, और एक चप्पल मेरे पैर में है और एक चप्पल ना यहाँ पे शिवाई ने फेंकी हुई है, देख लो। और आज मैं वो देखो, ये देख लो क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे, है दादी को खींच खींच के बिठा रहा कि तू मुझे वो दे दे। शिविया मत कर दादी को तंग, और क्लोई भी अपने खाने को। संगीता सबसे पहले इसको खाना डालियो, इसका बाहर से बाउल लेके आ, उसके अंदर खाना डाल। तो आज खाने के अंदर बहुत सिंपल रखा है खाना, लिक्विड लिक्विड है ज़्यादा, वो देखो देख रहे हो। तो ये दाल है, मूंग धुली, साथ में चावल है, और साथ में है थोड़ी सी दही। शिवाय कच्ची ब्रेड मत खा बेटा, पेट दर्द होगा तेरा, मेरे सुनते नहीं। और ये देख लो इस घर के अंदर यही माहौल रहता है 24 घंटे। और ये देखो ये पैरों के नीचे छुप के बैठी हुई है, और अब इसको लग रहा है कि देखो संगीता जा रही है, तो अपना बाउल लेने इसके पीछे पीछे चली गई। तो शिविया दादी की बात सुना कर, इधर आओ बेटा। यार मैं फिर तेज चलाऊंगा तब सुनेगा, ये ना मेरे को ना कलपा देता है, तब तक नहीं सुनता है। ये देखो एक अलग ही इनकी मस्तियां चल रही हैं तीनों की, मम्मी की, पापा की। इधर आ जा, यहां से मत जाइए। वो देख लो ये क्या मतलब है, हम ये कहाँ से कीड़ा आ गया मेरे हाथ पे। अरे बरसाती कीड़े हैं, बहुत कीड़े थे बरसाती। सारे दरवाजे बंद रखो, बाहर का खुला है भी दरवाजा, प्लीज बंद करो जल्दी जल्दी, क्योंकि बरसाती कीड़े हैं बहुत ज्यादा। अरे वो ब्रेड नहीं खाएगी मम्मी, उसका खाने का टाइम है, दे खाना दे इसे, यहीं दे दे। हे नहीं, तूने ना मेरी सारी ट्रेनिंग खराब कर दी, कैसे खाना देती है उसको, और ये इतना पानी क्यों है खाने में। नहीं जी ये नहीं है खाना, ये किसने बनाया खाना, मम्मी पानी नहीं डाला, ये खाना है क्या बेटे, ये पानी है, ये क्या खाना है बेटे, मैंने नहीं बनाया, मैंने उसके रखा था, गाढ़ा था बिल्कुल, इसने पानी डाला है उसमें। तो ये ऐसा मिक्स करती है रोज, बिल्कुल गाढ़ा नहीं करती, तब तो मैं तुमसे पूछ रही थी इतना यार, इतना पानी उसका पेट ही नहीं भरेगा बेटे। मैंने जो बनाया वो बिल्कुल गाढ़ा था, खिचड़ी की तरह,
यार अमी मेरी बात सुनो, जब आप बना रहे हो ना इसको हाथ मत लगाने दो बेटे, इसलिए उसको डालता ना, रोज यही करती है। मम्मा इतना पानी, ये मेरी बात सुनो, उसको मिला क्या, ये मिला उसको बस पूरे खाने के अंदर सिर्फ पानी। हद हो गई यार, दिन में दो बार खाना दे रहे, कम से कम ढंग से चंच के तो दो। और तेरे को कह रहा हूँ मैं संगीता, लेडी ऑली ना अकेले खा जाए तो भी उसका पेट ना भरे। एक्सरसाइज आपको पता कितनी करते हैं वो? वो ठीक है, लेकिन मैंने जो कुकर भरा हुआ था गाढ़ा था बिल्कुल, इसने इसमें डाला पेडिग्री भिगो पूरा एक कप और इसके अंदर मिला, और उसको भी दे दोबारा, उसको भी दे दो। दिन में दो बार खाना देना मुझे, खाने के अंदर ना उनके कॉम्प्रोमाइज चाहिए ही नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, रोज यही बनाती है, मैं तो बनाती इतना मैं, मम्मी रोज मैं डालता हूँ बेटे, पता नहीं क्या करके आई है बेटे। वो कह रही है थोड़े वो कम थे तो पेडिग्री डाल दो, मुझसे बोल दिया ना मैंने। ठीक है पेडिग्री। सो तीनों को ना इक्वल रात का खाना दे रहा हूँ। आ जा पहले तू ही खाएगा, आ जा पपे हटोला। नहीं नो बैक, तेरा नहीं है ना बेटा, क्या हो गया बब्बे, कम खाओ खाना, खाओ अपना खाओ, खाओ वो आपका है ओला बेटा, ये आपका है ठीक है ना। तुझे बहुत भूख लगी है मैं जानता हूँ सर, वेरी गुड, बहुत भूख लगी हुई है। हाँ भाई जोई चलो चलो आप भी चलो आगे नीचे, उसको क्लोडो का खाना मिल गया सर। चलो जी खाना सबको मिल गया फाइनली, अच्छा है। और आज पेट भर के खाएंगे ये, क्योंकि खाना मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, और आज मुझे गुस्सा चढ़ गया था जब मैं खाने की हालत देख रहा था ना, क्योंकि जब हम अपने लिए अच्छा खा सकते हैं पर इनको दो बार देना है, इनका सारा का सारा डिपेंडेंट हमारे ऊपर है कि मैंने क्या देना है, तो मैं नहीं चाहता कि इनकी ना हेल्थ से या डाइट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। गया खाना कंप्लीट, जा चेक कर ले बचा हुआ खाना ना पति का, ओला खा रही है खाना खा लिया ना, चलो अच्छा बस बेटा उसमें कुछ नहीं बचा, देख लो भूख कितनी लगती है इनको, ओला बस हो गया बेटा। हाँ सो रात को मैं खाना खिला के नीचे आ गया हूँ, और यहाँ शिवाय की ना मस्तियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, और दादा दादी जा रहे हैं फाइनली अपने घर सोने, और ये देखो शिबिया ना कितना प्यार और लाडन लगा रहा है दादा के साथ। हाँ जी कल सुबह मिलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है शिबिया सो जा अब तू, समझ आ गई? ये देखो इसको बास्केटबॉल से इतना प्यार हो गया, उसको लेके ही सोता है अपने साथ। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, क्या हाल है तीनों का, चौथी भी ऊपर पहुंच गई, तो क्लोई भी अभी भी गई है और पूरे पैक के साथ ज्वाइन किया, पूरी रात ही हमारे साथ सोई है मेरे साथ शिवाय के साथ, और ये सारे के सारे बड़े खुश हैं कि फाइनली पापा ने दर्शन तो दिए। सुबह के बज गए हैं 9, और मैं जा रहा हूँ अपने फटफटिया पे अंडे ब्रेड लेने। सही में हाँ भाई तेरे लिए भी ला रहा हूँ, टेंशन ना ले, ला रहा हूँ ला रहा हूँ। आए चलो